कोटा जिले में बदलते मौसम का दबाव अस्पतालों पर भी पड़ने लगा है। ओपीडी और इमरजेंसी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों की तादाद सामान्य दिनों की अपेक्षा दोगुनी हो गई है। फ्लू के साथ पेट दर्द दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसके अलावा इन दिनों डेंगू, स्क्रब टाइफस और वायरल फीवर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ओपीडी में 2200 से 2500 मरीज रोज आ रहे हैं। पर्ची बनाने के काउंटर से लेकर दवा वितरण तक लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। कोरोना के बाद से मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए एलोपैथी के साथ आयुर्वेद इलाज में भी मरीज रुचि लेने लगे हैं। मौसमी बीमारियों के लिए हमारे जितने भी औषधालय, जितने भी चिकित्सालय हैं, उनमें विभागीय दवाइयां आ चुकी हैं। हमने दवाइयां प्रॉपर सप्लाई कर दी हैं। इसके अलावा जागरूकता, हम हर डॉक्टर को, हमारे विभाग के व्यक्तियों को ये बतलाते हैं कि आप औषधि के साथ में पेशेंट को इसके रोकथाम के उपाय भी बताएं। जैसे अभी कफ और वायु, इनसे रिलेटेड बीमारियां हो रही हैं, तो आदमी को जो इन्फेक्शियस चीज़ें हैं, जो ठंडा खाना है, बासी खाना है, या मौसम का जो चेंजेज आ रहा है, इनसे बचाव के लिए उपाय करें। नाक में अणु तेल डालें या सरसों का तेल लगाएं।